अपने इनकम और टैक्स का रिश्ता कितने अच्छे से समझते हैं, यानी कि आपके कितने इनकम पर आपको टैक्स देना पड़ता है, कितनी इनकम टैक्स फ्री रहती है, और जो टैक्स स्लैब्स हैं वो किस इनकम से शुरू होते हैं, और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, इसे कैसे कैलकुलेट करें। तो आज इन तमाम सवालों का जवाब मैं आपको दूंगी। मैं हूं प्रियंका संभव, आप देख रहे हैं मनी नाइन। और इस तरह के जानकारी वाले वीडियोस अगर आपको अच्छे लगते हैं तो आपको पता है क्या करना है, आपको मनी नाइन के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल आइकॉन को क्लिक करना है, ताकि इस तरह के वीडियोस आपसे कभी मिस ना हो। टैक्स की पहली स्लैब शुरू होती है 2.5 लाख से, यानी अगर आपकी इनकम केवल 2.5 लाख है तो आपको टैक्स की कोई चिंता ही नहीं होनी चाहिए। 0 से 2.5 लाख तक टैक्स लगता है निल। तो चाहे ये पुरानी रिजीम हो टैक्स की या नई रिजीम हो, दोनों में ये कॉमन बात है, यानी कि 0 to 2.5 लाख नो टैक्स, और आपको यहां पर टैक्स की कोई चिंता नहीं होनी चाहिए। इसलिए कोई जरूरी नहीं है कि आप रिटर्न भी भरें। 2.5 लाख की बेसिक एग्जेम्पशन का मतलब ये हो जाता है कि मंथली इनकम आपकी होनी चाहिए 20,833 रुपए, तो आप पर कोई टैक्स की देनदारी नहीं बनेगी। रिटर्न नहीं भरना है, लेकिन रिटर्न भरना है, रिटर्न कब भरना है ये समझिए। इनकम आपकी 2.5 लाख ही है, लेकिन आपको तब भी रिटर्न भरना पड़ सकता है, क्योंकि इनकम टैक्स की जो एक नियम है सेक्शन 139(1) के तहत, अगर इनकम 2.5 लाख से कम है लेकिन आपने 3 काम किए हैं तो रिटर्न भरना अनिवार्य है। पहला काम, अगर आपने 1 लाख रुपए से ज्यादा का बिजली बिल अदा किया है। दूसरा, खुद के लिए या किसी और के लिए, किसी दोस्त के लिए, किसी रिश्तेदार के लिए विदेश यात्रा स्पॉन्सर की है जिस पर आपने 2 लाख रुपए से ज्यादा का खर्च किया है, तब भी रिटर्न भरना होगा, भले ही आपकी इनकम 2.5 लाख से कम क्यों ना हो। और अगर करंट बैंक अकाउंट में 1 करोड़ से ज्यादा पैसे डिपॉजिट करेंगे तब भी रिटर्न भरना अनिवार्य होगा। चौथी वजह जो आपको कहती है कि आपको रिटर्न भरना जरूरी है, भले ही आपकी इनकम 2.5 लाख से कम क्यों ना हो। 2.5 लाख से कम इनकम है, लेकिन मान लीजिए आपके बैंक ने या आपके ऑफिस ने आपका TDS काट लिया है, और ये टैक्स काट तो लिया है पर आप बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट से कम कमाते हैं, तो आपको रिफंड क्लेम करना होगा, और इस रिफंड के लिए आपको रिटर्न भरना जरूरी हो जाता है, भले ही टैक्स स्लैब में आपका निल टैक्स ही क्यों ना बन रहा हो। तो ये तो हमने समझ लिया कि 2.5 लाख के अगर आपकी इनकम है तो आपको कब रिटर्न भरना है, कब नहीं, कब आपका टैक्स जीरो होगा। लेकिन अब इससे आगे बढ़ते हैं और पूरे स्लैब्स को समझते हैं। तो 2.5 से 5 लाख रुपए का होता है अगला स्लैब, जिसमें पुराने और नए रिजीम में दोनों ही में 5% की दर से ही टैक्स लगता है। लेकिन सिर्फ यही टैक्स रेट कॉमन है 2.5 से 5 लाख वाले स्लैब का। इसके बाद दोनों ही रिजीम के टैक्स रेट अलग हो जाते हैं। तो पुराने टैक्स रिजीम के हिसाब से एक बार टैक्स स्लैब देख लेते हैं। 2.5 लाख तक की इनकम पर निल टैक्स है, 2.5 लाख से 5 लाख की इनकम पर 5% टैक्स लगता है, और फिर 5 लाख से 10 लाख की इनकम पर 20% और 10 लाख से ज्यादा की इनकम पर 30% टैक्स लगता है। वहीं नई रिजीम में 6 स्लैब्स हो जाते हैं, 2.5 लाख रुपए तक की इनकम पर कोई टैक्स नहीं, 2.5 से 5 लाख रुपए पर 5%, ठीक जैसे पुरानी रिजीम में लग रहा है, और उसके बाद बढ़ती है बात, यानी कि 5 से 7.5 लाख पर 10% के हिसाब से टैक्स लगेगा, फिर 7.5 से 10 लाख आपके इनकम पर 15% के हिसाब से आप टैक्स देंगे, 10 से 12.5 लाख पर 20% के हिसाब से आप टैक्स देंगे, फिर 12.5 लाख से 15 लाख पर 25% के हिसाब से टैक्स देंगे, और 15 लाख से ऊपर की आमदनी पर 30% टैक्स लगेगा। जो टैक्स बनेगा उस पर 4% का आपको सेस देना होगा। साथ ही में अगर टैक्स पेयर की कमाई 50 लाख से 1 करोड़ के बीच है तो टैक्स पर 10% का सरचार्ज लगेगा। सरचार्ज टैक्स ऑन टैक्स होता है, यानी कि जो टैक्स बन रहा होगा उस पर वसूला जाएगा। और अगर टैक्स पेयर की कमाई 1 करोड़ से ऊपर है तो यही सरचार्ज 15% हो जाएगा। अभी मैंने कहा कि 2.5 लाख तक की इनकम पर कोई टैक्स नहीं लगता, लेकिन अगर आपकी इनकम केवल 5 लाख रुपए है तो भी सेक्शन 87(a) के तहत आपका टैक्स निल रहेगा। इसे आप स्लैब में बदलाव नहीं मानिए, ये एक रियायत है जो दी जा रही है, एक टैक्स रिबेट आपको मिल रही है, और ये रिबेट है 5 लाख की इनकम वालों को 12,500 रुपए की। ये 5 लाख की इनकम टैक्स डिडक्शन लेने के बाद भी मानी जाएगी। इसे ऐसे समझते हैं,
अब मान लीजिए आपकी कुल कमाई 6.5 लाख है, आपने सेक्शन 80C के तहत 1.5 लाख रुपए का निवेश किया, तो ये छूट आप क्लेम करेंगे, तो अब इनकम हो जाएगी 5 लाख रुपए। अब इस पर जो टैक्स बनता है वो ऐसे होगा कि 2.5 से 5 लाख के स्लैब पर कितना टैक्स बनता है, 5% के हिसाब से 12,500 रुपए बनते हैं, और अगर 87A की आप छूट ले रहे हैं तो 0 टैक्स यही हो जाएगी। तो यही रिबेट है 12,500 की जो आप क्लेम कर पाएंगे, लेकिन 87A की छूट अगर आप लेना चाहते हैं तो आपको रिटर्न भरना जरूरी है। रिटर्न नहीं भरेंगे तो ये रिबेट आप नहीं ले सकते हैं। रिटर्न भरिए, 5 लाख की अगर इनकम है तो आपको छूट मिलेगी, आपको कोई टैक्स नहीं देना है। अगर मान लीजिए कि आपकी कमाई सिर्फ कैपिटल गेन से होती है और आपकी कोई भी इनकम नहीं है, तो ऐसे में आपका जो भी कैपिटल गेन होगा उसमें आप 2.5 लाख की बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट की छूट ले पाएंगे, यानी उसमें से 2.5 लाख घटाइए और जो पैसे बचेंगे उस पर टैक्स लगेगा। 10 लाख का कैपिटल गेन हुआ है अगर आपको, तो इसमें से आपको 2.5 लाख माइनस करना है, यानी आपको टैक्स केवल 8.5 लाख रुपए पर ही स्लैब के अनुसार देना होगा। चलिए अब समझते हैं कि आपकी इनकम पर टैक्स कैसे कैलकुलेट होता है। मैं पुरानी रिजीम के तहत टैक्स कैलकुलेट कर रही हूँ, क्योंकि मैं जो एग्जाम्पल आपके लिए लेकर आई हूँ उस पर मिस्टर ए जो है वो सारी डिडक्शन क्लेम कर रहे हैं, और हम सभी को पता है कि अगर आप नई रिजीम के तहत टैक्स देना चाहते हैं तो आपको कोई डिडक्शन, कोई भी छूट नहीं मिलेगी। तो जो मिस्टर ए हैं उनकी सालाना इनकम है 10 लाख रुपए, उन्होंने 50,000 का स्टैंडर्ड डिडक्शन लिया जो सभी को मिलता है, फिर सेक्शन 80C के तहत उन्होंने 1.5 लाख रुपए का निवेश किया, लाइफ इंश्योरेंस का प्रीमियम दिया, पीएफ में पैसे दिए, तो 1.5 लाख कुल उन्होंने बचा लिए। यहाँ पर 80D के तहत इन्होंने मेडिकल इंश्योरेंस का प्रीमियम दिया है, यानी 25,000 की छूट यहाँ पर क्लेम कर रहे हैं, और होम लोन लिया हुआ, इसलिए सेक्शन 24 के तहत होम लोन के इंटरेस्ट पर सालाना 75,000 रुपए की छूट वहां पर मिल रही है। यानी 10 लाख से आप माइनस कीजिए ये सारी छूट, और ये सारे डिडक्शन जब हटाएंगे तो इनकी टैक्सेबल इनकम बन जाएगी 7 लाख रुपए। अब 7 लाख को स्लैब्स में बांटेंगे, 2.5 लाख तक कोई टैक्स नहीं, 2.5 लाख से 5 लाख तक 5% टैक्स, 12,500 रुपए बने। अब कितने बचे हैं, 5 से 10 लाख पर 20% का टैक्स लगता है, यानी 7 लाख से हमने देखा 2.5 लाख पर टैक्स नहीं लगा है, फिर उसके ऊपर जो टैक्स लगा है 12,500 का, अब बचे 4.5 लाख रुपए जिस पर 20% के हिसाब से टैक्स लगेगा 40,000 रुपए। तो 12,500 प्लस 40,000 52,500 कुल टैक्स, लेकिन इसमें लगेगा 4% सेस, यानी कि अब इनका टैक्स बन जाएगा 54,600 रुपए। तो ऐसे कैलकुलेट होता है टैक्स। आपकी इनकम जो है अलग अलग स्लैब्स में बनती है और उस स्लैब में जो टैक्स रेट है उस हिसाब से लगता है आप पर टैक्स। उम्मीद करती हूँ कि अलग अलग स्लैब और टैक्स कैलकुलेशन को अब आप बेहतर तरीके से समझ पाएंगे और अपना रिटर्न अच्छे से सही से भरेंगे। जल्दी भर दीजिए, 30 तारीख है अंतिम तारीख, लेकिन अंतिम तारीख तक इंतजार नहीं कीजिए और फटाफट भर डालिए अपना रिटर्न। हाँ, अभी नया जो वेबसाइट है इनकम टैक्स का वो थोड़ा सा धीमा चल रहा है, तो आपको दिक्कत हो सकती है, लेकिन ट्राई करते रहिए और जिस दिन देखें कि वो साइट चल रही है भर डालिए अपना रिटर्न। तो कैसा लगा आपको ये वीडियो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। इस तरह के वीडियोस अगर आप देखते रहना चाहते हैं तो मनी नाइन के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर डालिए और बेल आइकन को क्लिक कीजिए ताकि इस तरह के वीडियोस आपसे कभी मिस ना हो।